अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज की खास खबरें। ओवैसी ने मांग की भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने पर 3 साल जेल। मालदीव में गहराया संकट, भारतीय सेना भेजने को तैयार, चीन ने मालदीव को चेताया। ताइवान में फिर आया 6.4 तीव्रता का भूकंप, 2 मृत, 100 से ज्यादा घायल। दिल्ली में ऑनर किलिंग में अंकित सक्सेना की सरेआम हत्या। मैसूर में महिला एम्पावरमेंट पार्टी की चुनावी रैली का आयोजन। एमपी के अलीराजपुर में रेत से भरा ट्रक गड्ढे में गिरा, 8 की मौत, 8 घायल। अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में भारतीय मुसलमानों के हक में एक विशेष प्रकार के कानून की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके तहत अगर कोई शख्स किसी भारतीय को पाकिस्तानी कहता है तो ऐसे में कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 3 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, क्यों मैडम? ये मैंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम, अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे? ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC ST को बनाया गया। 153 फेल हो चुका है, 153। देखिए मैडम चीक मार रहे, देखिए देखिए देखिए, यही है इनका रवैया। आप बनाइए उसको, 3 साल सजा दीजिए, मगर आप नहीं बनाएंगे। आप कानून जो ट्रिपल तलाक पर मुसलमानों के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इससे औरतों से नाइंसाफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। गौरतलब है कि कुछ लोग भारतीय मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तान भेजने और उन्हें पाकिस्तानी कहकर ताना देते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने लोकसभा में कानून बनाने की मांग की है। इसके अलावा ओवैसी ने हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया। संयुक्त राष्ट्र भी हाफिज सईद को आतंकी कह चुका है। उन्होंने पाकिस्तान को भी बुरा भला कहा और कहा कि आप अपने देश के मुसलमानों की चिंता करें, भारतीय मुसलमान अपने देश में बहुत खुश हैं। इसी बीच दूसरी खबर मालदीव से आ रही है। मालदीव में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा बनाए गए राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही अब्दुल्ला यामीन द्वारा निष्कासित 12 सांसदों की सदस्यता बहाली के भी आदेश दिए थे, मगर यामीन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और देशों में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दी है। Opposition politicians use their phones to record troops massing around parliamentary grounds in the Maldivian capital, Mali. The opposition met at parliament and decided to file impeachment motions against the defence minister, home minister, attorney general and secretary general. They blame the government officials for failing to recognize a Supreme Court ruling that called for the retrial of 9 opposition politicians, including exiled former president Mohamed Nasheed. We were blocked by hundreds of military and police officers in riot gear, but somehow we managed to go in. Some of us, we climbed over the gates and then helped others to come in. Supreme Court judges also reinstated 12 MPs who were expelled for siding with the opposition. Opposition politicians say once Parliament returns, they will have the majority and can legally impeach President Yemin Abdul-Gayoom. Police raided the house of the administrative head of the Supreme Court on Sunday. They said they want him for corruption. मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा बनाए गए राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही अब्दुल्ला यामीन द्वारा निष्कासित 12 सांसदों की सदस्यता बहाली के भी आदेश दिए थे, मगर यामीन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और देशों में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विपक्षी खेमों के नेताओं तथा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भारत से मदद की अपील की है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए मालदीव में स्थिति सामान्य होने तक वहां जाने से बचने को कहा है, जिसके बाद भारत ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन किया जा सकता है।
जिसमें सेना को तैयार रखना शामिल है। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर मदद की घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ संकेत दिए गए हैं, लेकिन इसके पहले ही चीन की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में चीन को आशंका है कि अगर भारत के हस्तक्षेप से यामीन की सरकार को खतरा पहुंचता है और विपक्षी दल को सत्ता मिलती है तो चीन और मालदीव के रिश्तों पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। भारत इससे पहले भी एक बार अब्दुल गयूम के दौर में सैन्य बल और मालदीव की मदद कर चुका है। यही वजह है कि चीन भारत को मालदीव से दूर रखने की नसीहत दे रहा है। इस मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग मालदीव पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मालदीव सरकार और वहां की विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर राजनीतिक संकट को सुलझा सकते हैं। अगली खबर ताइवान से आ रही है, जहां मंगलवार आधी रात को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इस भूकंप में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है। भूकंप में 2 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप से ताइवान की कई इमारतें हिल गई हैं, वह कई इमारतें गिरने की कगार पर हैं। कई इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। एक होटल की बहुमंजिला इमारत तिरछी हो गई है। स्थानीय समय अनुसार 11:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर ताइवान के समुद्र तटीय शहर वलीन से 20 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर में था। लोगों को बचाने का काम जारी है। अभी भी भूकंप से लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक भूकंप के झटकों के बाद इस शहर का बहुमंजिला होटल तिरछा हो गया है। ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी के मुताबिक इस होटल में करीब 30 लोग फंसे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से इस देश में भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। रविवार को भी ताइवान में केवल 2 घंटे के भीतर भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। बने रही हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हैदराबाद के मशहूर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हीरा मार्ट अबू कटपल्ली में हीरा गोल्ड, हीरा फूडेक्स, हीरा टेक्सटाइल्स, हीरा प्योर ड्रॉप और हीरा ग्रुप के विविध उत्पादन यहां उपलब्ध हैं। आज ही अभ्यागमन कीजिए हीरा मार्ट कुकटपल्ली हैदराबाद। ऑनर किलिंग का एक फिर मामला सामने आया है, जहां देश की राजधानी में अंकित सक्सेना नाम के नौजवान को बीच सड़क पर सरेआम गला काटकर मार दिया गया, क्योंकि अंकित और सलीमा नाम की लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। कत्ल का आरोप सलीमा के घर वालों पर लगा है, जिन्होंने अंकित के गले को रेत दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम परिवार की बेटी और हिंदू परिवार के बेटे के बीच मोहब्बत हो गई थी? सवाल यह है कि अंकित को सलीमा के परिवार के लोगों ने क्यों मारा? देखिए एक रिपोर्ट हमारे साथ। भाई मेरे बेटे का गला काट दिया, ये कहते कहते मैं रिक्शे में, हम दोनों जा रहे हैं, ये भी रो रही है कि गला काट दिया, भाई तो बचाओ, हम जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंच के मैं रोया चीखा, मैंने कहा कोई सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो। जो भी खड़े थे वही आए। दिल की बीमारी के कारण हार्ट में 4-4 छल्ले डलवा चुके दिल्ली के इस पिता के आंसू इसलिए नहीं रुक रहे, क्योंकि इनके बेटे अंकित सक्सेना को सलीमा से प्यार करने की सजा मिली। सरेआम बीच सड़क पर गला काट कर सजाए मौत। मैं अपने घर से अंकित को मिलने जा रही थी, इतने में नीचे आया, उससे मुझे पता चला कि उसको अंकित का गला काट दिया, और उसमें कह रहे मेरे घर वाले इंक्लूडेड हैं, मेरे मामा ने ये सब करा है, हम घर शादी कर रहे हैं। तो आपको किससे डर है? किससे डर है आपको? मुझे मेरे घर वाले डर रहे कि मैं बाप पे जाऊँगा। और जो अंकित का मतलब मारा है वो किन्होंने मारा है? मैं उस टाइम थी नहीं उस घटना पे, पर जैसे सब बता रहे हैं उस टाइम मेरे घर वाले वहाँ पे थे। मतलब किस चीज़ से मारा गया, उनको कुछ पता चला आपको? कह रहे कि चप्पू से मारा, गला काटा। दिन गुरुवार का वक्त 7:50 पर दिल्ली के ख्याला इलाके में यही वो जगह है जहां पर कार से घर जा रहे अंकित सक्सेना को आरोप है कि सलीमा के घर वालों ने रोका और गाड़ी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वो अब इतने सारे लोग हैं, कोई इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है। मेरा बेटा कह जी के कह रहा है कि आंटी मैंने कुछ नहीं किया है, आप पुलिस को बुला लो, मैं यहाँ हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। वो अपनी लड़की का इल्जाम मेरे लड़के पे लगा रही थी कि तू उसको उठा के भगा के जो भी है वो ऐसा कर रहे हैं। अब वो प्री प्लानिंग से उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गेम खेली, ये अब हमको महसूस हो गया है।
हमारी मिसेज को अलग जाके पीट रहे हैं, वो गिरी पड़ी है। जब मैंने ऐसे देखा वो गिरी पड़ी है, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। और भी एक दो औरतें थी, उन्होंने भी बचाने की कोशिश की है। कहने लगी मेरी लड़की को गायब कर दिया तेरे लड़के ने। मैंने कहा मेरा लड़का तो अभी काम पे से आया है। वो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, तुम पुलिस को बुला लो, मुझे नहीं पता कहाँ गई वो, कहाँ नहीं गई, मेरे को नहीं पता कुछ भी। फिर भी वो उसके पीछे पड़ी रही, तूने मेरी लड़की गायब करी, तूने मेरी लड़की गायब करी। इस तरह की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम अब तो लोगों को समझ आनी चाहिए कि धर्म और जाति के नाम पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। कोई मजहब यही नहीं सिखाता। अगली खबर कर्नाटक से आ रही है। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में सियासी पार्टियों ने अपनी चुनावी दौरों की शुरुआत कर दी है। जहां एक ओर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहीं बीजेपी भी आने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता हथियाने की होड़ में लगी है और मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में एक नेशनल पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई महिला एम्पावरमेंट पार्टी भी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से कर दिया है। खास बात यह है कि यह पार्टी महिलाओं के हितों के लिए बनाई गई है। इस नेशनल पार्टी की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहिरा शेख, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने अपनी मैसूर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं भी राजनीति में आकर देश सेवा कर सकती हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको MEP की मैसूर रैली में। इंशाल्लाह आप सब अगर साथ देंगे, आप कामयाब होने में साथ रहेंगे, तो इस हीरे की रोशनी को हम भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे, इसकी आवाज को भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे। क्यों कि आज हमारे माशरे को सच्ची आवाज की बहुत ही जरूरत है। आज हमारे लोग, हमारे यूथ, हमारी औरतें काफी हुकूक खो चुके हैं। उनको जो मिलना है सरकार से, वो चीजें उन्हें नहीं मिलते हैं, वो राइट उन्हें नहीं मिलते हैं। इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों रखा गया, कि इसका मुद्दा महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों बनाया गया? ये नाम तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी रखा है, मगर हमारे भाई, हमारी बहनें, हमें साथ देने वाले सारे लोग भी इस पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, दोनों के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ये दोनों पहिए होना बहुत ही जरूरी है। आप आपकी बेटी को कलेक्टर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। आपकी बेटी को आप इंजीनियर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। और आपकी बेटी को आप डॉक्टर बनाइए, आपके बेटे से अच्छा मार्क लाएगी। आप सियासत में औरत आएगी, देश को सबसे बेहतर बनाएगी। और जहां भी औरत ने सियासत की है, बड़ी अच्छी सियासत की है, देश की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। जब तक इंदिरा गांधी थे, देश को चलाते रहे, और जब तक कि वो खत्म नहीं हुई, कोई दूसरे वो कुर्सी पर बैठ नहीं सके। क्यों? कि औरत का इतना मजबूती से चलाना होता है। सेंट्रल में हमारी सरकार को चाइना घूमने के लिए टाइम है, अमेरिका घूमने के लिए टाइम है, हमारी सरकार को सब जगह घूमने के लिए टाइम है, मगर गरीबों को जाकर देखने के लिए बिल्कुल नहीं है। मगर देश के जो हालात गुजर रहे हैं, उसके ऊपर देखने के लिए टाइम नहीं है। पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो आज हम जो है वर्ल्ड को घूम रहे हैं, मगर वोट तो इंडिया से चाहिए ना। वर्ल्ड तो वोट नहीं देगा, इंटरनेशनल तो वोट नहीं देगा, वोट तो जो है इंडिया से चाहिए। तो फिर इंडिया की मैं गुजारिश करूंगी कि सरकार को चाहिए कि इंडिया के हालत पे वो तवज्जो दे। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर जीतेंगे तो क्या करना चाहिए और पब्लिक को कैसा टाइम देना चाहिए? नेता वो नहीं होता जो ग्लास बनकर के बंगले में बैठ जाए, नेता वो होता है जो गली गली में घूमकर लोगों की तकलीफ को देखे, जो गली गली में घूमकर लोगों को सीखे, देखे कि क्या इनकी तकलीफ है। और हम जो है जब कामयाब हो जाएंगे, तो एक बेहतर काम समाज में करके हम लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अब देखना यह है कि कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है या परंपरागत कांग्रेस इस सीट पर बनी रहती है।
तथा नवगठित एमईपी पार्टी अपने चुनावी वादों पर कितना खरी उतरती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आ रही है, जहां स्टेट हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 मजदूर घायल हो गए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे एक महिला भी शामिल हैं। गंभीर रूप से जख्मी कुछ लोगों को अलीराजपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हादसे की वजह ट्रक का ओवरलोड बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अलीराजपुर जिले में बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार होता है। ज्यादातर ट्रक और ट्रालों में क्षमता से ज्यादा रेत ढोई जाती है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।